हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है सॉल्विंग रिकरेंसेस, जो कि है हमारा होमोजीनियस रिकरेंसेस। तो अब होमोजीनियस रिकरेंसेस मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कि अगर वो इस फॉर्मेट में रहता है कि ए ज़ीरो टी एन, यानी ए की वैल्यू जो पहला कोएफिशिएंट है वो अगर बढ़ते जा रहा है ए ज़ीरो ए वन ए टू इस तरीके से, और जो दूसरा सेकंड वाला हमारे इक्वेशन के अंदर का है जो कि टी एन टी एन माइनस वन टी एन माइनस टू इस तरीके से जाता है और इक्वल्स टू अगर ज़ीरो रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस रिकरेंसेस। जब भी इक्वल्स टू ज़ीरो आता है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एक होमोजीनियस चीज़ है। जैसे कि हम ये पूरा जो हमारा एग्जाम्पल है इसको हम बताते हैं कि ये लीनियर प्लस होमोजीनियस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों है। लीनियर इसलिए है क्योंकि ये जो टर्म्स है पूरे ये सीक्वेंस में जा रहे हैं ए ज़ीरो ए वन या फिर टी एन टी एन माइनस वन, या तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, इसीलिए हमने बोला है इसको कि ये लीनियर है। होमोजीनियस हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज द लीनियर कॉम्बिनेशन पूरे चीज़ों का आता है ज़ीरो, मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये होमोजीनियस है। और तीसरा, ये जो ए ज़ीरो ए वन ए टू है ये सारे हैं मेरे कॉन्स्टेंट्स, तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि मेरे जो भी पूरा लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन बना है वो विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स है, क्योंकि ए ज़ीरो ए वन जो है मेरे वो मेरे कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारे होमोजीनियस लीनियर रिकरेंसेस विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? हम सबसे पहले करेंगे रीराइट द रिकरेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म, मतलब हम जैसा है वैसा पूरा लिख लेंगे, फिर हमको इक्वल्स टू ज़ीरो दिखाना है उसको, तो हम क्या करेंगे हमारे जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है उसको सेम रखेंगे हम ए ज़ीरो ए वन को, हमारे जो ये टी एन टी एन माइनस वन है इसको हम लोग एक्स के फॉर्मेट में ले लेते हैं कि एक्स टू द पावर के एक्स टू द पावर के माइनस वन इस फॉर्मेट में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने अभी नई इक्वेशन बनाई है इसको हम बोल देते हैं कि हम एक पी एक्स नाम का फंक्शन है जिसका इक्वल है ये जो अभी हमने डिराइव किया वो। अब क्या होगा कि हमको उसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स या तो डिस्टिंक्ट रहेंगे या तो सेम रहेंगे, तो अगर डिस्टिंक्ट रहते हैं तो हमको सिंपली क्या करना है, सी वन आर वन, मतलब हमको सी वन आर वन सी टू आर टू सी के आर के जितने भी रूट्स निकलते हैं वहाँ तक हमको आर वन टू द पावर एन आर टू टू द पावर एन इस तरीके से हमको रूट्स निकालते जाना है। तो इसका एक एकदम जनरलाइज फॉर्मेट में आएगा कि अगर मेरे रूट्स डिस्टिंक्ट है तो मुझे समेशन ऑफ सी आई आर आई एन लेना पड़ेगा, जहाँ पे मेरा आई इक्वल्स टू वन टू के मेरा घूमते रहेगा। ठीक है, तो मेरे अगर टू डिफरेंट रूल्स आते हैं तो मुझे इसमें दो बार वैल्यूज डालनी पड़ेगी, मतलब कैसा बनेगा सी वन आर वन एन प्लस सी टू आर टू एन, अगर मेरे टू रूट्स डिफरेंट है तो। अगर मेरे टू रूट्स डिफरेंट नहीं है तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, हर एक के लिए मेरा अलग अलग बनेगा, मतलब ये एक मेरा फर्स्ट पार्ट बनेगा फिर ये एक मेरा सेकेंड पार्ट बनेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि मेरा रूट अलग आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे आई और जैसे यहाँ पे मेरा आई के लिए हो रहा था सिर्फ, यहाँ पे मेरा आई और जे के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा जैसे वन 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 टू है फिर नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे टू वन टू टू है, मतलब मेरा दोनों चेंज होते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आई और जे लूँगा। और यहाँ पे मुझे रूट्स भी अलग लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे किस तरीके से लेना पड़ेगा, एन टू द पावर जे और आर टू द पावर एन बेस में रहेगा आई। तो अगर इस पार्ट में अगर हम सिंपली कंपेयर करते हैं पहले वाले से, तो यहाँ पे सी वन आर वन हो रहा था टू द पावर एन, यहाँ पे भी सी वन आर वन टू द पावर एन होगा, सी टू आर टू टू द पावर एन भी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे मैं एक थर्ड वाला जो कोएफिशिएंट है मेरा वो मेरा चेंज होगा, ये रहेगा मेरा सी थ्री, सिर्फ आर थ्री एन की जगह उसके सामने एक एन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मेरे डिस्टिंक्ट है तो मैं इस तरीके से रूट्स निकालूंगा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तो मैं इस तरीके से रूट्स निकालूंगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। सपोज कीजिए मुझे एग्जाम्पल दिया है, अगर मेरे एन की वैल्यू जीरो या फिर वन आती है तो मैं एन रिटर्न करता हूँ, नहीं तो मैं एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू रिटर्न करता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं लिख लेता हूँ कि एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू इस तरीके से। अब मुझे इसको होमोजीनियस बनाना है इसीलिए मैं ये दोनों को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, तो ये बन गया और इक्वल्स टू जीरो हो गया ये, तो अब ये आ गया मेरा होमोजीनियस फॉर्मेट में। अब इसमें मेरा n माइनस k मतलब लास्ट वाला कितना है 2, तो इसीलिए k की वैल्यू आ गई 2। अब मेरे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स जो है यहाँ पे a ज़ीरो, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरीके से आ गया। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा,
ये पहला रहेगा x square minus x minus 1 equals to 0. और मेरे जो constant coefficient से a, b, c वो तो वही है कि यहाँ पे constant coefficient a है मेरा 1, यहाँ पे है minus 1, यहाँ पे भी है minus 1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, अभी फिर सामने बढ़ते हैं. तो अभी मुझे रूट्स कैलकुलेट करने हैं. रूट्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास पहले से फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ट्वाइस है. ये हमने अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं. तो बस इसके अंदर मुझे अभी वैल्यूज डालनी है. ये जो ए बी और सी की वैल्यूज है वो मुझे इसके अंदर पुट करनी है. तो मेरा आर वन कैलकुलेट हो जाएगा. आर वन कैलकुलेट हुआ मेरा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. वैसे ही मेरा आर टू भी कैलकुलेट हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. अब मेरा R1 और R2 तो कैलकुलेट हो गया. तो मेरी R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है. अब मुझे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले मैं R1 R2 की जो वैल्यू निकली है उसको मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ. तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा. अब मुझे n की वैल्यूज अलग अलग लेके मुझे C1 और C2 कैलकुलेट करना पड़ेगा. सपोज n की वैल्यू अगर 0 है तो मैं n की वैल्यू यहाँ पे 0 डालता हूँ, यहाँ पे भी 0 डालता हूँ. तो मेरा बन जाएगा C1 इक्वल्स टू माइनस C2. वैसे ही n इक्वल्स टू 1 के लिए वैल्यू अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे 1 और 1 मैंने लिया तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन गया मेरा. ठीक है, इसमें से मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो C1 है इक्वल्स टू माइनस C2 है, इसलिए मैं C1 को रिप्लेस कर सकता हूँ माइनस C2 से. तो अब मेरा यहाँ पे भी C2 आ गया, यहाँ पे भी C2 आ गया, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ C2. तो मैंने C2 को कॉमन निकाल लिया और अंदर में मैंने माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 और उसी का पॉजिटिव साइड लिया मैंने. अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसीलिए मैं पूरा ऊपर का कैलकुलेट कर सकता हूँ, पूरा ऐड कर सकता हूँ. उसमें से माइनस वन प्लस वन मेरा डिलीट हो जाएगा तो बचा मेरे पास में माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2. तो ये टू टाइम्स आया है तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2. मेरा 2 2 कट जाएगा तो मेरे पास बचा अभी C2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो C2 को मैं लिखने के लिए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जो है उसको मैं लेफ्ट साइड में ला सकता हूँ, मतलब बन गया मेरा ये C2. और C1 क्या था, C1 ऑफ C1 मेरा सिंपली था माइनस ऑफ C2, तो इसीलिए मेरा C1 और C2 भी मुझे मिल गया. तो अब मेरे पास पूरी वैल्यूज आ गई जो कि मैं इसके अंदर अभी डाल सकता हूँ, जो मेरी इक्वेशन थी. R1 R2 हमने पहले ही कैलकुलेट किया, C1 C2 अभी कैलकुलेट किया. तो इस तरीके से मुझे मेरा फंक्शन बन के मिल गया है. ठीक है, तो इस तरीके से हमको होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं. होमोजीनियस मतलब हमको सिंपली एक चीज याद रखनी है, होमोजीनियस मतलब इक्वल्स टू जीरो रहता है. लीनियरली होमोजीनियस मतलब लाइन में रहता है, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स मतलब उसके पहले जो कोएफिशिएंट्स रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. प्लीज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में. टेक केयर, बाय बाय.